हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, फुटबॉलर बेनेडिक्ट होबिट्स ने हाल ही में किस देश से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जर्मनी। जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट होबिट्स ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह 2014 की विश्व कप विजेता जर्मनी टीम का हिस्सा थे। वह उन 3 खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने टूर्नामेंट में टीम के लिए हर मिनट खेला था। अगला प्रश्न है, ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मैथ्यू मैकोनागी। क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित ऑस्कर विजेता अभिनेता मैथ्यू मैकोनागी द्वारा लिखित पहली किताब ग्रीन लाइट्स 20 अक्टूबर 2020 को रिलीज होने वाली है। इस पुस्तक को रोमांच और जीवन के अनुभवों के आधार पर एक पारंपरिक संस्मरण नहीं बल्कि एक नाटक के रूप में वर्णित किया गया। अगला प्रश्न है, सकंदा सामी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है लेखक। प्रसिद्ध लेखक और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सकंदा सामी का 81 वर्ष की उम्र में चेन्नई तमिलनाडु में हृदय रोगों के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 1940 मयिलादुथुराई जिले तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपने उपन्यास कमीशन बिसारनाई आयोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, परवेज खान जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है एक्शन डायरेक्टर। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का 55 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने का निधन हो गया है। जो अंधाधुन, जॉनी गद्दार और बुलेट राजा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने फिल्मकार हंसल मेहता के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 2013 के नाटक शायद में भी काम किया है। अगला प्रश्न, 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, WBW 2020 के लिए विषय क्या है? तो इसका आंसर है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानट। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष 1 अगस्त के पहले सप्ताह में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया के लगभग 120 देशों में मनाया जाता है। पूरे विश्व में स्तनपान को प्रोत्साहित करने और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो 30 सेकेंड में कम समय में COVID-19 के लिए तेज़ी से परीक्षण विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग किया है। तो इसका आंसर है इज़राइल। भारत और इज़राइल के विशेषज्ञों ने भारतीय विकास और उत्पादन क्षमताओं के साथ इज़राइल की तकनीकी विशेषता को विलय करके COVID-19 के लिए 30 सेकेंड के भीतर तेज़ी से परीक्षण विकसित करने में सहयोग किया है। अगला प्रश्न है, 66वें संस्करण में किस राज्य सरकार को डिजिटल इंडिया श्रेणी में स्कॉच प्लेटिनम पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार की ई माधान कार्यालय मंत्री कार्यालय सार्वजनिक शिकायत प्रणाली को स्कॉच प्लेटिनम पुरस्कार मुख्यमंत्री कार्यालय CMO के शिकायत निवारण सेल के प्रदर्शन के लिए स्कॉच फाउंडेशन से शीर्ष पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार को अपनी ब्लॉकचेन आधारित संपत्ति पंजीकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने अपनी ब्लॉकचेन आधारित संपत्ति पंजीकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। इस समाधान को CDSE हैदराबाद के साथ मिलकर छेड़छाड़ के सबूतों के लिए सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा सैंडसेल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम तेलंगाना के खनिज विकास निगम लिमिटेड की मजबूत और पारदर्शी ICT समाधान ने डिजिटल इंडिया श्रेणी के तहत स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, पवन हंस लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। पवन हंस लिमिटेड ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत उत्तराखंड में देहरादून नई टेहरी श्रीनगर गौचर मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने 1 से 15 अगस्त से एक जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी शुरू किया है। एक मास्क अनेक जिंदगी का अर्थ है एक मुखौटा और कई जीवन। अगला प्रश्न है, भारत ने 8 मिलियन पाउंड की 5 नई औषधीय अनुसंधान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। विंबलडन के लॉर्ड तारिक अहमद दक्षिण एशिया राज्य मंत्री और राष्ट्रमंडल ने यूनाइटेड किंगडम UK और भारत के बीच 8 मिलियन पाउंड
लगभग 78 करोड़ रुपए की 5 नई औषधि अनुसंधान परियोजना के लिए फंडिंग और टाई की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क परियोजनाओं को मंजूरी दी, निम्न में से कौन सा बैंक परियोजनाओं का 70% निधि प्रदान करेगा? तो इसका आंसर एशियाई विकास बैंक। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क परियोजनाओं को लगभग 1000 करोड़ रुपए, लगभग 142.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। परियोजना का लक्ष्य अगले 6 वर्षों के लिए राज्य के सभी जिलों में किसानों की मदद करना है। परियोजना का 70% एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जबकि शेष 30% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 3 राज्य पूंजी बिलों और CRDA रेपेल बिल्स 2020 को अपनी मंजूरी दी। तो इसका आंसर है बिश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA रेपेल बिल्स 2020 का समावेशी विकास करने के लिए अपनी सहमति दी। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता द्वारा विभाग द्वारा तैयार बाई इंडिया रिपोर्ट डिजिटल शिक्षा जून 2020 किसने शुरू की है? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने संकलन भारत रिपोर्ट का शुभारंभ किया। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ पहल पर अभिनव पहल पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार डिजिटल शिक्षा जून 2020 से शुरू की। अगला प्रश्न है, अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू करने वाले मंत्रालय का नाम बताइए? तो इसका आंसर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने अगरबत्ती के निर्माण में शामिल कारीगरों के लाभ और ग्राम उद्योग के विकास के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम को मंजूरी दी। कार्यक्रम के लगभग एक भाग के रूप में कारीगरों को कुल 200 स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और 400 मिक्सिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन है नवीनतम ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है बेन स्टॉक्स। क्वेश्चन ऑफ द डे, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित बाका योको को नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम को एडुकोर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।